बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी। चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें हम एक कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमने गर्म करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून साबुत सफेद जीरा डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इस प्याज को पकाएंगे। प्याज और लहसुन के पेस्ट को ऑयल के साथ पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये 1 kg चिकन लिया है और इसको हमने थोड़ा छोटा काटा है, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये बोन्स के साथ है चिकन। साथ ही इसमें 1 teaspoon हम नमक डालेंगे, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इस चिकन को फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और इसको हमने हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। अब इसके अंदर हम ये टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनका हमने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम रेड मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये हल्दी पाउडर इसमें हमने 1/2 teaspoon डालना है। इसको मिक्स करेंगे। खुश्क धनिया पिसा हुआ इसमें हम 1/2 टेबलस्पून डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे दोबारा फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं चिकन को टमाटरों के पेस्ट के साथ पकते हुए। अब इसमें हम 1/2 teaspoon गर्म मसाला पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1/2 कप दही डाल देंगे। ये इसमें हमने 1/2 कप दही डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे। ये हमारी चिकन हांडी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तैयार है हमारी चिकन हांडी। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए से। तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की और आसान तरीके से बनने वाली चिकन हांडी। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।